एक अक्ल है कि नहीं है, मेरी जिस समझ से बाहर है चीजें कि इस तरह तो क्लब लेवल क्रिकेटर भी नहीं खेलते यार। सो आई थिंक कि हम यहां बैठे हुए चीखे मारे समझा रहे हैं, फोन कर करके बता रहे हैं कि भाई इस तरह कर लो चेंजेस, ये चेंजेस कर लो, उसकी टोटली ऑपोजिट चेंजेस कर देते हैं। अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा? हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। जैसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो यह शायद हम गलती कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाए, लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। बड़ा अफसोस हुआ और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ कि पाकिस्तान एक अच्छा बड़ा मैच हाथ में आ सकता था, वो पाकिस्तान ने हाथ से गवा दिया। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि मिकी आर्थर जैसा बंदा बैठा हुआ है वहां पे और उसको पता ही कख नहीं, हंसता रहता है, ये गुस्सा कर लेता है। और बैट्स टीम सिलेक्शन, यस अगेन